हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। हमारे इस चैप्टर के लास्ट अवयव के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन देखा था, साथ ही में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप बैक्टीरियाज को, मॉडर्न बैक्टीरियाज को, उनके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हो। आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द एनवेलप सिस्टम ऑफ बैक्टीरियाज। सो बैक्टीरियाज के अंदर नॉर्मली ट्राई एनवेलप सिस्टम होता है। क्यों ये ट्राई एनवेलप सिस्टम है? क्योंकि इनके सेल्स के ऊपर तीन सीमाएं देखने को मिलती है जिसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। हाँ, हालांकि उसको बोल सकते हैं, इसमें एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है कि माइकोप्लाज्मा को अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसके ऊपर दूसरे दो लेयर्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन ही होता है। बट ये बात को भी भूलना नहीं चाहिए कि माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन के भी तीन लेयर होते हैं। सो नॉर्मली बैक्टीरिया जो है उसके अंदर ट्राई एनवेलप सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में लाइक प्लांट में आपको दो एनवेलप मिलेंगे, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवर प्रेजेंट होगा, फंजाई में भी दो होंगे। चलो, सो यहां पे बैक्टीरियास के बारे में चर्चा करते हैं ज्यादा डिटेल में। सो अगर हम इसको इनसाइड टू आउटसाइड देखें, अंदर से लेके बाहर की ओर जाए, तो अलग-अलग मटेरियल से, अलग-अलग द्रव्यों से बनी हुई सीमाएं हैं यहां पर। जो सबसे अंदर होगी उसको आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे अंदर वाली सीमा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, याद रखना है। यहां पर सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होगी वो कौन सी रहेगी? सेल मेम्ब्रेन। और एक और चीज को गौर करना है कि सेल मेम्ब्रेन का जो मटेरियल होता है, नॉर्मली ये मटेरियल होगा आपका लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज कि इन सेल मेम्ब्रेन के आसपास, सेल मेम्ब्रेन के आसपास आपको कुछ नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ एक लेयर दिखेगा। ये जो नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ लेयर है इसको हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेंस, राइट? सो ये जो बना है वो है क्या? ये है पेप्टिडोग्लाइकेंस से बना हुआ लेयर, और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ लेयर है उसको आप बोलोगे सेल वॉल। सो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। नाउ पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट व्हाट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इट इज अ पॉलीसेकेराइड। This one is the पोलीसेकेराइड। ये एक तरह का पोलीसेकेराइड है, और पोलीसेकेराइड है मतलब कि उनका मोनोमर भी रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज गौर करो कि ये हेट्रोपोलीमर है। अब हेट्रोपोलीमर का मतलब क्या होगा? कोई पोलीमर अगर एक ही तरह के एकम से बनता है, एक ही तरह के मोनोमर से बनता है, तो उसको आप बोलोगे होमोपोलीमर। जबकि उनके अंदर एक से ज्यादा उसके पार्ट्स है, एक से ज्यादा उसकी यूनिट है, तो आप बोलोगे उसको हेट्रोपोलीमर। सो यहाँ पे आपको हेट्रोपोलीमर दिखेगा जो किससे बना है, जिसके दो कंपोनेंट है, दो मोनोमर है। एक है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड द सेकेंड वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो कंपोनेंट से सेल वॉल बनी होती है। अब इस सेल वॉल के ऊपर और एक लेयर होता है जिसके अंदर आपको मिलेगा पहले तो पेप्टिडोग्लाइकेंस, थोड़ा बहुत आपको पेप्टिडोग्लाइकेंस मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको लाइपोप्रोटीन मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको फोस्फोलिपिड मिलेगा। सो मतलब कि यहाँ पे जो संरचना बनेगी उसके अंदर काफी सारे मटीरियल्स है, तरह तरह के मटीरियल्स मिलेंगे जो ग्रेन्यूलर फॉर्म में होंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, राइट? यहाँ पे जो मटीरियल है, दिस मटीरियल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेन्यूलर पार्टिकल्स मेड अप बाय व्हाट? मेड अप बाय द पेप्टिडोग्लाइकेंस। इट शुड बी द मेड अप बाय सम पार्टिकल्स आर ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, सम पार्टिकल्स आर ऑफ ओनली प्रोटीन एंड लिपिड, और यू कैन से द ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल। सो ये जो ग्रेन्यूलर पार्ट बना ऊपर सेल वॉल के ऊपर, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं हमारे, जो किनसे बने हैं, एक बार और रिपीट करता हूँ, ये ग्रेन्यूल बने हैं पहले तो पेप्टिडोग्लाइकेंस, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन से, ठीक है? सो ये जो पूरा लेयर बना इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो आपका लेयर है इसको आप बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये नॉर्मल हमारी संरचना होती है बैक्टीरियल एनवेलप सिस्टम की, बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर रहे ग्लाइकोकैलिक्स की। अब एक और चीज कि यहां पे हमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने हैं।
सो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन जो यूकैरियोटिक में नहीं मिलता पर प्रोकैरियोटिक में मिलता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में ये मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। आपको सेल मेम्ब्रेन में कुछ डिप्रेशंस मिलेंगे और उन डिप्रेशंस को आप बोलोगे मीजोजोम। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मीजोजोम। चलो चर्चा करते हैं इसके ऊपर भी। सो ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अपनी मर्यादा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार या फिर अपनी नीड्स के अनुसार अपने आप को चेंज कर सकता है। बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स चेंज हो सकती है। अगर कोई बैक्टीरिया अपने फेवरेबल कंडीशन में है, कोई बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन के अंदर है, सो उन फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो क्या कंक्लूड करेगा? वो कंक्लूड करेगा अपने डिवीजन को, वो प्रमोट करेगा अपने डिवीजन को। और एक चीज याद रखो, कोई भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उनमें से एक सेल का दो में डिवाइड होना एक तरह से रिप्रोडक्शन है। देखो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म था, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज यहाँ पे एक सेल खुद में ही एक ऑर्गेनिज्म है। सो यहाँ पे ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, सेल डिवीजन होता रहेगा। सो फेवरेबल कंडीशन में होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अपने आप को तोड़ने के लिए क्या रहेगी? स्मूथ। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ रहेगी, और ऐसे स्मूथ ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दूसरी चीज, कई बार अब अगर इनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ऐसे कंडीशंस के अंदर बैक्टीरियाज अपनी सेल एनवलप को, खास करके ग्लाइकोकैलिक्स को रिजिड करेगी। उसके अंदर जो प्रोटीन का, पेप्टिडोग्लाइकेंस का मटेरियल होता है एज वेल एज प्रोटीन मटेरियल होता है, वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे रिजिड या फिर टफ ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी, और जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। सो ये चीज याद रहनी चाहिए, ग्लाइकोकैलिक्स अपने आप को दो फॉर्म में मॉडिफाइड कर सकती है। एक तो जब फेवरेबल फॉर्म में होगा, एक तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब वो अपने आप को सेल डिवीजन के अंदर झोंकेगी, और उसके लिए उसका बाहर का मेम्ब्रेन होना चाहिए स्मूथ, तो जिसको बोलोगे आप स्लाइम लेयर। जबकि वो जब इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है तब वहां पे बनेगा कैप्सूल। चलो सर नेक्स्ट थिंग देखते हैं, मीजोजोम। अब मीजोजोम के बहुत सारे टाइप भी है, मेनली आप दो टाइप देखते हो और उनके कुछ फंक्शंस भी है, सो उनको हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। स्टेनिंग, यस। अब जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसकी कुछ कैरेक्टर होती है, और उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जब आप उनको एक स्पेशलाइज स्टेन से स्टेन करते हो, जिसको बोलते हैं हम ग्राम स्टेन, जिसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसकी अकॉर्डिंग उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे मिलते हैं जिसकी सेल वॉल में, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे मिलते हैं जिनकी सेल वॉल के अंदर आपको टेकोइक एसिड, द लाइपोटेकोइक एसिड मिलता है, तो वो सेल वॉल इस स्टेन के कलर को एक्सेप्ट कर लेती है। और कैसी हो जाएगी? अगर इस स्टेन की बात करूं मैं ग्राम स्टेन की, सो ग्राम स्टेन अपने आप में ब्लूइश होता है, सो बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि टेकोइक एसिड उसको एक्सेप्ट करेगी। और वैसी कंडीशन में ऐसे बैक्टीरियाज को आप बोलोगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर नहीं कर पाया, अगर स्टेन रिटेन नहीं होता है, तो उसको बोलोगे आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब स्टेनिंग की प्रोसेस क्या होती है, स्टेनिंग का मटेरियल क्या होता है, कौन सी मैकेनिज्म यूज होती है, उसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। So, यहां पर हमने चर्चा करी अपनी एनवेलप सिस्टम के बारे में, बैक्टीरियल एनवेलप सिस्टम के बारे में, और उनके मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग भी यहां पे हमने कुछ क्लासिफिकेशन करा है। चलो सो कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज ग्लाइकोकैलिक्स और अ म्यूसिलेजियस शीथ ऑफ अ बैक्टीरियल सेल मे अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ, देन इट इज कॉल्ड ब्लैंक, और मे बी थिक एंड अ टफ कॉल्ड एज अ ब्लैंक। सो द आंसर इज बी। Okay, the answer is B. Why? Because if they are loose or smooth, then it is the slime layer. And if they are tough, then it is the capsule. The next one is the correct sequence of envelopes outward to inward. Right? So we will learn about the inward to outward, like cell membrane is the innermost. Cell membrane is the innermost. Afterward, there is a cell wall and then the glycocalyx. So option C is the right answer. So for today's session, this is enough. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।